हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे डेली आपको जॉब अपडेट्स मिल जाती है। आज की जॉब अपडेट काफ़ी बढ़िया है, इसरो की तरफ से यहां पे रिक्रूटमेंट आ रही है और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल रहा। मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे बर्थडे की विशेज आपने बहुत ज़्यादा विशेज भेजी, मतलब यहाँ पे 400 ज़्यादा कमेंट्स आए। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे थैंक यू सो मच। सबको रिप्लाई करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फिर भी थैंक यू सो मच। आपके अच्छी अच्छी कमेंट्स आई सो दिल से, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, इसके लिए भी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और अब बात करते हैं जॉब के लिए, तो एलिजिबिलिटी सब कुछ यहाँ पे बात करूँगा मैं, इसरो के रिलेटेड सब कुछ ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन अगर आपने आज सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो आज सुबह की स्पेशल वीडियो थी, तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर से देख लो, उसके बाद यहाँ पे आप ये वीडियो को देखना, ठीक है। और अगर आपने टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं। और इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर आप ही ने कंप्लीट करवाया है, तो इस बात पे तो लाइक एक बनता है, तो लाइक का टारगेट मैं नहीं रख रहा हूं, आप कंप्लीट कर देना। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ आज की जॉब के बारे में बात करते हैं, तो इसरो की तरफ से है। इसरो के एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी सबसे पहले बता दूंगा, यहाँ पे एक छोटे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड की गई है। यहाँ पे ये जॉब डिप्लोमा वालों के लिए, मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बाद में डिग्री की है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिग्री के साथ 11th 12th किया हुआ है तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लोमा बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका डिप्लोमा का रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, नहीं आया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल से शायद आ गया होगा आप। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इसरो के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप अगर की है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन भरते वक्त आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, नंबर मांगा जाएगा, जो भी होगा वो डिटेल्स मांगी जाएगी। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप की होगी तो आपको बहुत काम लगेगी इसमें, एज एन एक्सपीरियंस यहाँ पे काम लग सकती है। ना यहाँ पे मैकेनिकल में यहाँ पे 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने फर्स्ट क्लास से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये जॉब टेम्पररी है यानी कि परमानेंट नहीं है। लेकिन टेम्पररी ऐसा भी नहीं कि 6 महीना 1 साल के बाद आपको छोड़ देने का बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे मतलब टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा टाइम यहाँ पे आपको जॉब करनी रहेगी। और ऐसी भी वैसी कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको 44,900 का आपको पर मंथ मिलेगा। उसके साथ साथ एड ऑन में आपको HR, HRA, DA जो भी अलाउंस है वो सब के सब मिलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर टेम्पररी भी काम करने को मिल रहा है ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, तो काम कर लेना चाहिए अगर मौका मिल रहा है तो। ना सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 18 जून, यानी कि कल से ही शुरू हो गया है। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है 2 जुलाई 2nd जुलाई, और टाइम यहाँ पे बोल दिया गया है 2 बजे तक 2nd जुलाई, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे फीस की बात कर देते हैं, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 150 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए। और SC ST वुमेन कैंडिडेट अगर आप में से कोई हो तो उनको फीस पे नहीं करनी है। और अगर आगे बात करते हैं तो 150 रुपीज़ कम है, अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब अप्लाई कर ही देना, ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पामिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है दिल से कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो और कर सकते हो तो ही अप्लाई करना। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो रिटन टेस्ट होगी और स्किल टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट के स्कोर्स जो होंगे उस बेसिस पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे दूसरे किसी शहर से हो और आपको ट्रैवल करना रहेगा, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल के लिए आपका जो रेलवे फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्किल टेस्ट की बात है, रिटन टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर आ जाता है तो। नाउ रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो अगर आपका जो भी थियोरेटिकल एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने अभी तक कॉलेज में सीखा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, तो वही लिया जाएगा। इन्होंने ऐसा कोई पूरा अच्छे से सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटन टेस्ट थोड़ा तो डिफिकल्ट रहेगा, इसरो के लेवल है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। नब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स अलाउ किया हुआ है। जनरली ऐसा नहीं होता है, इसरो की जो भी
ऐसे इंस्टीट्यूट की जॉब आती है तो 30 ईयर्स मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे 35 ईयर्स तक ये भी रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट रहेगी। वैकेंसीज यहाँ पे सिर्फ 7 है, 7 लोगों में यहाँ पे क्या करेंगे और कितने एप्लीकेशन होंगे, तो यहाँ पे सोच समझ के अप्लाई करना। ऐसा मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला हूँ, अगर स्किल्स है तो ज़रूर से अप्लाई करना। नाउ आपकी पोस्टिंग जो होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे बैंगलोर में होगी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे बोला गया है, और मे बी अगर ज़रूरत पड़ने पर आपको यहाँ पे इंडिया में जो भी अलग अलग जगह है जहाँ पे इनके जो सेंटर्स है वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। तो ये तो सारी बातें हो गई आज की जॉब के लिए, जो भी जॉब अपडेट आज की थी बस इतनी बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है और आपको लगता है कि किसी और की ये वीडियो काम लग सकती है तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।